हेलो गाइस, दिस आर्यवर्ष। आज मैं जो नाम लेने वाला हूँ, जिस शख्स का नाम लेने वाला हूँ, वो एक्चुअली जेंट्स नहीं, एक लेडीज़ है। सो ये जो नाम है मार्था मटिल्डा हार्पर, ये एक्चुअली बेसिकली ये जो आज सलोन इंडस्ट्री है, कि सलोन है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सलोन करने वाली लेडी थी, जो जिसका नाम था मार्था मटिल्डा हार्पर। ये इनका बॉर्न कैनेडा में हुआ था। ये 10 सितंबर 1857 को जन्म हुई थी कनाडा में, और ये कनाडा के रहने वाली थी, और ये फर्स्ट वर्ल्ड का पहला सलोन करने वाली लेडी थी, जिन्होंने फर्स्ट सलोन किया था। और ये एक्चुअली कनाडा से शिफ्ट हुई थी न्यूयॉर्क में, जहाँ पे ये 25 इयर्स हाउसकीपिंग का काम की थी। हाउसकीपिंग का काम करते करते ये कुछ पैसे जमा की, और इनको खुद का बाल आप देख सकते हो कि जैसे कि इनके बहुत लंबे बाल थे। इनको बाल अपने बालों को अपने बालों पे बहुत शौकीन था, और बाल और हेयर का केयर करना इनको बहुत अच्छा लगता था। जो नॉर्मली सबको अच्छा लगता है कि उनका हेयर उनका स्किन अच्छा रहे, सेम वो बहुत ज़्यादा शौकीन थी अपने बालों को लेके, और स्किन को केयर करना बहुत ज़्यादा शौकीन थी। सो वो 25 इयर्स हाउस कीपिंग जॉब करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठा की, पैसे इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सोचा कि एक इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट हो जहाँ पर लोग आए और काम करें सलोन में, जिसका नाम सलोन होता है। सो उन्होंने 1888 में फर्स्ट सलोन की थी न्यूयॉर्क में, और ये सलोन इतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट सलोन का कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको पता है कि अभी कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा सलोन का हो चुका है। सो ये फर्स्ट सलोन का कॉन्सेप्ट या सलोन किसी ने लॉन्च किया था, ईजाद किया था 1888 में, 1888 में, जिनका नाम था मार्था मटिल्डा हार्पर, जो कैनेडा की रहने वाली थी। न्यूयॉर्क में जाके उन्होंने एक सलोन किया, और ये सलोन इतना ज़्यादा चला कि कुछ सालों में ही ये जो अभी आप चेन सिस्टम सलोन देखते हैं, कि एक सलोन का बहुत सारा ब्रांचेस होता है, फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है, ये भी उनका ही इजाद किया हुआ, उनका ही लॉन्च किया, उनका ही दिया हुआ एक सिस्टम है। और देखते ही देखते कुछ सालों में उनका 500 सलोन चेन वाइज 500 सलोन हो चुका था। और इनका जो बॉर्न हुआ था 10 सितंबर 1857 में, और इनका डेट हुआ था 3 अगस्त 1950 में, ये डेट कर गई थी। सो मेरा इतने का मतलब, सिर्फ ये जानकारी देने का मतलब ये था कि आप एज अ हेयर ड्रेसर आप तो अपने काम के बारे में सीखते ही है और जानते ही है कि क्या करना है, नहीं करना है, हेयर पे क्या होता है, नहीं होता है, क्या प्रोडक्ट होता है। बट इसके साथ साथ में मेरे को ऐसा लगा कि ये बात शेयर करना चाहिए कि एज अ हेयर ड्रेसर, कि मैं बालों पर काम करता हूँ, हेयर पर काम करता हूँ, और इस इंडस्ट्री में हूँ, तो ये जानकारी होना चाहिए, और ये जानकारी होने से अच्छा होना चाहिए और प्राउड फील करना चाहिए कि आज हम जिस इंडस्ट्री में हैं, वो इंडस्ट्री आया कहाँ से, फर्स्ट किसने स्टार्ट किया, क्या सिस्टम से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। सो मुझे लगा कि ये बात शेयर करना चाहिए। सो आप लोग बता सकते हैं कि कितने लोगों को पता था कि ये आप जानते थे, या फर्स्ट टाइम आप जानते या सुने हैं। सो आप कमेंट ज़रूर करें कि हाँ, आप पहले से जानते थे, या फर्स्ट टाइम आपने सुना मार्था मटिल्डा हार्पर का नाम, और ये फर्स्ट लेडी थी जो सलोन वर्ल्ड में फर्स्ट सलोन इन्होंने लॉन्च किया था। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ये जानते थे, या जो भी हेयर ड्रेसर है उनको ये पता होना चाहिए, जैसे हर इंडस्ट्री में होता है कि एक जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो उस इंडस्ट्री को किसने स्टार्ट किया। और सो हमारी इंडस्ट्री को लॉन्च करने वाले, मतलब सलोन को लॉन्च करने वाला एक लेडी है, और वो चेन सिस्टम और सलोन, आप बहुत सारा बहुत बड़ा बड़ा सलोन देखे होंगे कि चेन वाइज सिस्टम है, चेन सिस्टम का सलोन होता है, फ्रेंचाइजी देते हैं, एक नाम का बहुत सारे सलोन होता है, ये भी वही लेडी का देन है जिन्होंने फर्स्ट सलोन किया था, और उसके बाद उनका 500 चेन वाइज सिस्टम सलोन हुआ था सेम नेम से। सो